हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पिक्सआर्ट के अंदर हम ईद के लिए वॉलपेपर कैसे तैयार कर सकते हैं। ईद के लिए वॉलपेपर तैयार करने के लिए हमें पिक्सआर्ट के अंदर जाना होगा और यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है स्टिकर्स का। हमें स्टिकर का इस्तेमाल कैसे करना है और स्टिकर कहाँ से डाउनलोड होते हैं, ठीक है, ये देखें। यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर आएँ, ऐड पर क्लिक करें और यहाँ पर चलते हैं हम कलर पीकर पर। कलर पीकर कहाँ पड़ा हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आ गए हैं हमारे कलर बैकग्राउंड्स, ये कलर बैकग्राउंड्स आ गए। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद आए तो आप ले सकते हैं। यहाँ से आप PNG डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। हमें चाहिए कलर पीकर अपनी मर्ज़ी का कलर लेने के लिए। मैं लेता हूँ ये ग्रे कलर, ठीक है। इस ग्रे कलर को क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओके किया तो ये देखें हमें एक ग्रे कलर में एक साइज़ मिल चुका है 1x1 का। तो अभी हमने बनाना है वॉलपेपर ईद मुबारक के लिए। जैसे कि बहुत नज़दीक ईद है, हमने अपने बहन भाइयों को, अज़ीज़ोकारों को, रिश्तेदारों को ईद मुबारक कहना है, तो मेरे ख्याल से लाजमी कहना है, इसलिए हम तैयार करेंगे एक ईद वॉलपेपर तैयार। ईद मुबारक कहने के लिए हमें यहाँ स्टिकर्स पर आना होगा। ये देखें, ये स्टिकर बने हुए हैं, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये माउस को मैंने पकड़ा और ये देखें, ये स्टिकर की ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये देखें डिस्कवर आ चुका है। बहुत सारे हमें यहाँ पर स्टिकर मिलेंगे। अब हमें जो चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हमने अभी सर्च नहीं किया। यहाँ से हम सर्च करेंगे, यहाँ लिखते हैं ईद मुबारक, मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा ईद मुबारक, तो देखें काफ़ी सारे स्टिकर्स हमें मिल चुके हैं ईद मुबारक के मुतल्लिक। आप कोई भी स्टिकर यहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसा दूसरा स्टिकर्स बने हुए हैं यहाँ पर। हमें चाहिए ईद मुबारक के रिलेटेड कोई स्टिकर, यहाँ से हम इस स्टिकर को क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये स्टिकर बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड भी हो चुका है और हमारी पिक्सआर्ट के अंदर भी आ चुका है। तो दोस्तों, अब हम चाहते हैं कि जी ये ईद मुबारक मैंने लिखा है तो जिस भाई को सेंड करना है, ज़ाहिर सी बातों से भी पता होना चाहिए जी मुझे किसने सेंड किया है। व्हाट्सएप पर या जिस भी आप सोशल ऐप पर सेंड करते हैं पता तो खैर चले जाएगा इस भाई ने किया। अगर आप साथ अपना नाम देना चाहते हैं तो साथ अपना नाम भी दे सकते हैं। इसे सिलेक्ट, ये अभी लेयर सिलेक्ट है, इस लेयर को आप पहले डिसलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ टेक्स्ट पे आएँ, यहाँ अपना नाम दे दें, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख दें, फ्रॉम जो आपका नाम है वो आप लिखना है, जो मेरा नाम है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नाम है रोबन, ये फ्रॉम रोबन हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये गाइड कर रही है आपको कि भैया आपका ये सेंटर है, आप अगर सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में रखें, अगर जहाँ कहीं भी रखना चाहते हैं तो जहाँ कहीं मर्जी रखें, पर मैं इसे सेंटर में ही रखूँगा, खूबसूरत लगेगा। तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए और जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं वो फॉन्ट। तो खैर मुझे ये वाला ठीक लगा है, शायद थोड़ा सा ठीक है ये है। तो अब आप चाहते हैं जी ये जो आपका स्टिकर है ईद मुबारक का, इसमें आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं वो भी ला सकते हैं। यहाँ इसकी ओपेसिटी है, यहाँ इसका एडजस्ट है, इसकी ब्राइटनेस कम करनी है तो आप इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। आपने इसको कंट्रास्ट देना है वो भी दे सकते हैं, जिस तरह के आप इस पर एडिटिंग चाहें कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे गुड कर दें, चेक लगा दें ओके का, तो उसके बाद ये इफेक्ट्स आ गए हैं इसके। आप यहाँ से इसे आप मैजिक इफेक्ट भी दे सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप दे सकते हैं, पॉप आर्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं मैजिक इफेक्ट इसे देता हूँ कैसा लगता है, तो ये देखें मैंने इसे मैजिक इफेक्ट अप्लाई कर दिया है, ठीक है। आप इसको रेज़ भी कर सकते हैं, तो रेज़ करने का कोई ख़ास मतलब नहीं है हमारा। तो दोस्तों, इसमें आप लेंस फ्लेयर भी लगा सकते हैं। लेंस फ्लेयर से ये होगा कि आपकी जो ये ईद मुबारक की बड़ा ईद मुबारक का वो ज़्यादा थोड़ा खूबसूरत लगेगा। और स्टिकर ले लेते हैं हम यहाँ से, कोई लाइटें, कोई बत्तियाँ, कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो ये देखें हमारा ईद वॉलपेपर रेडी हो चुका है। इस तरह आप और भी इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप दोबारा कोई ईद मुबारक का वॉलपेपर ले सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला ईद मुबारक का वॉलपेपर ले लेता हूँ। तो ये देखें अभी ये कलर हमें इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ईद मुबारक का जो वॉलपेपर है, जो सॉरी उसका डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है, पर हम चाहते हैं कि जी ये हमें नज़र भी आए, पता भी चले कि क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। आप इसकी ब्राइटनेस को कम कर दें, तो ये देखें बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आप इसे शेडो भी, इसका शेडो भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं,
ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर यहाँ से ले लें तो इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं, मतलब कि स्ट्रोक लगा सकते हैं, ठीक है। और ये इसका शेडो आ गया, आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेडो भी दे सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़े का ये ऐप है। आप ईद मुबारक कहें अपने दोस्तों को अपनी मर्ज़ी के हसीन हसीन और ख़ूबसूरत वॉलपेपर बनाकर। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।